हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका डेट शीट का जो टेंटेटिव डेट है, हालांकि अभी हाल में कुछ डेट्स बदले हैं, तो जो टेंटेटिव डेट है आपके एग्जामिनेशन का, आप किस किस दिन कौन कौन सा पेपर देने वाले हो, वो हमारा इस टॉपिक का वीडियो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को इसी तरह के कंटेंट्स के लिए। और साथ ही साथ मैं स्टडी भी करवा रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप वहां पे जाओ, प्रीवियस वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लस जो मैंने जो रिसेंट में वीडियोस बनाई है वो भी मैं उन्हीं प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी कंटेंट मिल जाएंगे, जहां पे आप जाकर के इत्मीनान से आप उन सारे वीडियोस को वॉच करो। साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, आपको हमारी इस वेबसाइट पर विजिट करना है, इग्नू एमकॉम के ऊपर क्लिक करना है, ये जो लिंक है यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आप आओगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे कोर्स का नाम दिखेगा। इस कोर्स के नाम के ऊपर जो भी आपको स्टडी करना है उस नाम के ऊपर क्लिक करना है, आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर्स, आपको वहां से पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। साथ ही साथ वीडियोस तो अवेलेबल है ही, और वीडियोस भी यहीं से बन रही हैं, तो जो भी कंटेंट यहाँ पे है उन्हीं का जो है वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में डाला जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए और अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में लेकर के आइए। तो आज का हमारा टॉपिक था डेट शीट का, कि आपका एग्जामिनेशन किस दिन है ये पता करना है आपको, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपको आना है, आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना है commerceepaathshala.blogspot.com। उसके बाद आपको क्लिक करना है इग्नू क्विक लिंक्स पे। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक वेब पेज खुलेगा इस तरह से, जहां पे आपको एक स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल रहा है आपके हर एक क्वेरी का। इग्नू से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी है, कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, एडमिशन कराना है, सेकंड ईयर में एडमिशन कराना है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना है, इग्नू का ऑफिशियल मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है, आपको अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है एमकॉम का, या फिर आपको अपना असाइनमेंट डाउनलोड करना है, हर एक क्वेरी का आंसर आपको इग्नू क्विक लिंक्स हमारे इस वेब पेज में आपको मिल जाएगा। सो नाउ हम बात करने वाले हैं डेट शीट के बारे में। तो डेट शीट यहाँ पे देखो लिखा हुआ इग्नू एग्जाम डेट शीट, क्लिक हियर। क्लिक हियर के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स फॉर दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपका डेट शीट जो है निकल गया। अब आपको चेक करना है कि आपका एग्जाम किस किस दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम आप पहले से चेक करके रखो ताकि आप प्रिपेयर भी उसके अकॉर्डिंग करो। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप टाइप करोगे Ctrl+F। आप जैसे ही Ctrl+F टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपको एक जो है विंडो खुलेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ आपको लिखना है IBO, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो IBO आप टाइप करोगे, और IBO टाइप करने के बाद आपको एंटर का बटन दबाना है। तो देखो IBO 1 का जो सबसे पहला पेपर होने वाला है वो होने वाला है 20 तारीख को, याद रखो 20th of January आपका IBO 1 का पेपर है। IBO 2 का पेपर है 21 तारीख को, ठीक एक दिन बाद। IBO 3 ठीक उसके एक दिन बाद 22 तारीख को है। IBO 4 24 तारीख को है, 23 तारीख को गैप दिया गया है आपको, और IBO 5 आपका 25 तारीख को है, और IBO 6 आपका 27th of January को है, मैं फिर से इसको थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से दिख जाए। सो इसको मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। देखो IBO 1 20 तारीख, IBO 2 21 तारीख, IBO 3 22 तारीख, IBO 4 24 तारीख 24 जनवरी, IBO 5 25 जनवरी, और IBO 6 27 जनवरी। तो इस तरीके से आपने अपना फर्स्ट ईयर का जो है चेक कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ईयर के बारे में, कि सेकंड ईयर का एग्जाम भाई किस किस दिन होगा। तो सेकंड ईयर का आपका पेपर आता है MCO 1, है ना, MCO। तो MCO 1 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, MCO 1 का पेपर 28 तारीख को, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स खत्म हो गए सेकंड ईयर के स्टार्ट हो जाएंगे, MCO 1 का पेपर 28 तारीख को, MCO आगे जाऊंगा, MCO 1 का पेपर 28 तारीख को, MCO 2 का पेपर, MCO 3 का पेपर है 29 तारीख को, ठीक एक दिन बाद है, कोई गैप नहीं मिला है आपको। तो आपको प्रिपरेशन अभी से करना होगा, और बहुत ही जोरदार प्रिपरेशन करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये MCO 3 हो गया 29 तारीख, फिर 31 तारीख को आपका MCO 4 है, MCO 4 एक दिन बाद है, MCO 4 के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिला है। MCO 5 1 तारीख को है, MCO 6 2 तारीख को है, 2 फरवरी को है, MCO 7 3 फरवरी को है। तो इस बार मैं देख रहा हूँ कि इग्नोर ने जो डेट्स में जो गैप होते थे, जनरली 2 से 3 दिनों का तकरीबन हर एक एग्जाम में गैप हुआ करता था, इस साल कोई भी गैप दिया नहीं गया है ठीक तरीके से। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम वाली बात है, और इस चीज को लेकर के मैंने भी लाइक इग्नोर को रिपोर्ट करा था कि अगर इसमें कुछ चेंजेस हो सके। तो ये जो डेट्स अभी फाइनल नहीं है, ये डेट्स टेंटेटिव है, बट चांसेस बहुत कम ही है डेट्स के चेंज होने का। आई डोंट थिंक इग्नोर हमारी बात सुनेगी, और
यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक स्टेप लेना होगा। अगर स्टूडेंट्स अगर इग्नू से रिक्वेस्ट करें कि सर ये जो चीजें हैं इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लो, देख लो चीजों को, यूनिवर्सिटी से अगर रिक्वेस्ट करें तो मे भी शायद कुछ हो सके। एक इंडिविजुअल के बोलने से कुछ नहीं हो पाता, राइट। सो फिर भी मैंने कोशिश करी है अपने लेवल पे, और मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार इग्नू को टैग करें ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी जहाँ पे वो अवेलेबल है, और उनको टैग करके इसके बारे में बताएं कि सर जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो हमारा एकदम साथ साथ पड़ जा रहा है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे करके पड़ जा रहा है। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट हाँ इसके लिए एक आपके लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन जो है पहले अर्ली स्टार्ट करना होगा ताकि आपको जनवरी का महीना पूरा मिल जाए। आपको जनवरी तो पूरा पढ़ना ही है, प्लस दिसंबर में भी, अभी आज क्रिसमस हो गया, हैप्पी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के बाद मतलब कल से आपको पढ़ाई जो स्टार्ट कर देनी है ताकि आपके मार्क्स जो है अच्छे तरीके से आ पाए, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को वॉच करें, साथ ही साथ जो कंटेंट हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है आप उनको देखें, जिससे आपका प्रिपरेशन जो है ठीक तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहा डेट शीट, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो इस वीडियो को वापस से देखो, आपको आपका जो डेट है वो पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।